हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी सीबीएसई क्लासरूम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आई हैव क्रिएटेड सेपरेट प्लेलिस्ट इन माय चैनल फॉर ईच एंड एवरी क्लास, सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लास टू चैप्टर 9, बुलबुल। बुलबुल मीन्स नाइटिंगल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? हैव यू एवर सीन अ नाइटिंगल? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। देर इज़ अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई अ नाइटिंगल। पहचानने का मीन्स टू आइडेंटिफाई, सरल सिंपल तरीका वे। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। इफ़ यू सी सम बर्ड स्पीक इन अ लाउड वॉइस देन लुक एट हर टेल। तेज आवाज़, लाउड वॉइस, पूंछ, टेल। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। इफ़ द पार्ट अंडर द टेल इज रेड इन कलर देन इट्स अ नाइटिंगल। पूंछ के नीचे द पार्ट अंडर द टेल लाल रेड, चिड़िया बर्ड। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। वेन इट फ्लाइज सी केयरफुली द टिप ऑफ द टेल। पूंछ का सिरा, टिप ऑफ द टेल, सिरा मीन्स टिप, ध्यान से केयरफुली। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल दैट इज नाइटिंगल्स, द टिप ऑफ द नाइटिंगल्स टेल इज ऑलवेज वाइट इन कलर। सिरे का रंग, टिप, द कलर ऑफ द टिप ऑफ द नाइटिंगल्स टेल। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। हर फुल बॉडी इज ब्राउन इन कलर एंड हर हेड इज इन ब्लैक इन कलर। ओके, बाकी शरीर मीन्स रेस्ट ऑफ अ बॉडी। रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज ब्राउन इन कलर एंड हर हेड इज ब्लैक इन कलर। बिल्कुल ऊंची आवाज़ से बोलती है। ऊंची आवाज़ मीन्स लाउड वॉइस। शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल दैट इज नाइटिंगल इज नेवर स्कैर्ड ऑफ अस एट ऑल। डर नहीं लगता, शी इज़ नॉट एट ऑल स्कैर्ड ऑफ अस। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी मीन्स अ ग्रुप ऑफ फेदर्स दैट इज फाउंड ऑन द टिप ऑफ टॉप ऑफ द बर्ड्स हेड। सम बर्ड्स हैव लाइक सम फेदर्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बर्ड्स हेड। दैट ग्रुप ऑफ फेदर्स आर कॉल्ड क्रेस्ट इन इंग्लिश, CREST। ओके, क्रेस्ट इन इंग्लिश। सो यू कैन इवन फाइंड अ नाइटिंगल हुज क्रेस्ट इज ब्लैक इन कलर। तुम्हें शायद मीन्स यू मे, ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी इज क्रेस्ट, काले रंग, ब्लैक कलर। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही मीन्स सोल्जर, सो इट इज़ कॉल्ड सोल्जर नाइटिंगल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। पीपल मीन्स पीपल ट्री, बरगद इज बनियन ट्री। सो नाइटिंगल फीड्स हरसेल्फ बाय ईटिंग वर्म्स फ्रॉम द बनियन ट्री और पीपल ट्री। कीड़े, वर्म्स ढूंढकर शी सर्चेस एंड फीड्स हरसेल्फ। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। She also eats
vegetables and fruits like us. Sabji means vegetable, phal, fruits. अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है. अमरूद means गोवा and मटर means पीस. हमला means अटैक. शी इवन अटैक्स वेरी फोर्सफुली ऑन द gardens ऑफ गोवा एंड fields ऑफ पीस. वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है. शी builds her nest with dried grass and thin branches of small plants. सूखी हुई means dried. घोंसला her nest. घास grass. छोटे पौधों small plants. पतली thin. जड़ों roots. Okay, so she builds her nest with dried grass and thin roots of small plants. घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है. कटोरे means bowl. So nest looks like a beautiful bowl from inside. अंदर से means from inside. बुलबुल एक बार में दो तीन अंडे देती है. नाइटिंगल lays two or three eggs at a time. अंडे देती means lay eggs. एक बार में means at a time. उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं. हर eggs are light pink in color. गुलाबी means pink, that is rosy color. So अंडे means egg, हल्के means light, गुलाबी pink, रंग color. तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ देखनी दिखाई देगी. So if you look at them carefully, if you look at the nightingale's eggs carefully, you can spot some red, some brown and some purple dots on them. Lal means red, bhuri means brown, bangani means purple, bindiya dots. Okay, so that's all about the bulbul chapter. Hope you understood the poem. If you like the video, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.